रिपोर्टेडली अक्षय और भूषण कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है आफ्टर ही एंड इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये का अक्षय कुमार और भूषण कुमार के बीच लगता है अब सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्में क्लैश हो रही हैं। आपको याद ही होगा कैसे भूषण कुमार के डैड म्यूजिक मोगल गुलशन कुमार की लाइफ पर बन रही बायोपिक से अचानक अक्षय कुमार अलग हो गए थे और ये फिल्म आमिर के पास चली गई थी और इसके बाद अक्षय की फिल्म गोल्ड से भूषण कुमार की फिल्म सत्यमेव जयते का क्लैश हुआ था इसके बाद इंडिपेंडेंस डे पर अब अक्षय की फिल्म मिशन मंगल और भूषण कुमार की फिल्म बाटला हाउस का क्लैश होगा और ठीक उसके बाद अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज और भूषण कुमार की अनुराग बासु डायरेक्टर फिल्म के क्लैश होने की न्यूज आ रही है ऐसे में उनके बीच प्रॉब्लम को और हवा मिल रही है स कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है ना ही भूषण कुमार के साइड से और ना ही अक्षय कुमार के पीआर के साइड से पर क्लैश हो रहा है ऑन द सिल्वर स्क्रीन क्योंकि अगर हम बात करें क्लैशेस की जब गोल्ड आई थी उसी के साथ साथ, साथ सत्यमेव जयते आई थी ऑफ जॉन एब्राहम विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय भूषण कुमार अब खबर आ रही है 2019 में दो और फिल्में क्लैश होने वाली है मंगल विच इज स्पेस फिल्म इम्पोर्टेंट फॉर अक्षय कुमार इट इज ग्रमेन की रिलीज होने वाली प्रोड्यूस बाईन कुमार क्लैश होगी और अगर हम थोड़ा सा बैकड्रॉप दें तो द होल इंस्टेंट एक्चुअली स्टार्टेड विद मुगल जो की लेट गुलशन कुमार पर बायोपिक बन रही थी एंड उस टाइम पर बिकॉज ऑफ समिज